दीदी बोल रही थी कि पैक करवाना पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग आ गए हैं पिज़्ज़ा बार्न, जिसकी हम फर्स्ट डे बात कर रहे थे। और मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि घर से था कि हम लोग फिर से बड़ा पानी जा रहे हैं, जो कि फिर से 3 दिन से जा रहे हैं और जा नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो मैंने इसीलिए आज घर पर ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो ये रहा पिज़्ज़ा बार्न और हम आज आ गए हैं यहाँ पे। ये देखो, भीड़ वीड़ तो दीदी कुछ है नहीं यहाँ पे, फुल पिज्जा। तो हम लोग अभी मेन्यू में डिसाइड कर रहे हैं हमें क्या ऑर्डर करना है। तो अभी हमने डिसाइड किया है बान सिग्नेचर पिज्जा। ये कुछ और भी है, ड्रिंक्स देख रहे हैं। यहाँ पे पूरा अपना वो पहाड़ वाला जंगल है, पाइन ट्री वाला, जैसे हमारे यहाँ होता है। ये देखो, और पूरी ये हट टाइप बनी हुई है यहाँ पे। बाकी पीछे तो वॉशरूम वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। इधर भी बैठ सकते हैं हट में, बट वो वाला मौसम नहीं हो रहा हट में बैठने वाला। इधर शायद इनका किचन है। पूरा अपने वाला ही जंगल है ना दीदी, ये पाइन ट्रीज का मतलब ज्यादा भी हाइट पे नहीं है। दीदी ये कितना बड़ा पिज्जा है, 18 इंचेस वाला है ना ये। मेरे को लगता है ये पैक होके जाएगा। एक तो तूने महंगे थिन क्यों नहीं बोला, मीडियम क्यों कहा इसको? ये देखो, जरा वो करता हूं निकाल देता हूं, थोड़ा फोन हटाओ यहां से, एक पीस निकाल लेता हूं। देखो हम लोग बोल रहे थे, मतलब ये दीदी बोल रही थी कि पैक करवाना पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। तुम क्या कहती, पैक करवाना पड़ेगा? तुम सारा फेल गया, बहुत टेस्टी था। खा सकती थी, जब उसे नकली दिखा रही थी कि तुम खा लिया था इन्होंने, वरना खा तो दिया था। वो हमने तीनों भैया के लिए पैक करवा दिया। तो हम चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पिज़्ज़ा था, मज़ा ही आ गया। मतलब टाइम काफ़ी लगाया उन्होंने, बट बहुत ज़्यादा सही था। ये लोग तो यहाँ पहले आए हुए थे, तो इसीलिए दीदी हमें यहाँ लेके आई। दीदी कर रहे हैं गाड़ी बैक, अब तो चलते हैं वापस। चलो, तो ये है यहाँ का ISBT, नहीं हाँ SBT है। यहाँ से ISBT अंदर पूरा ISBT शिलोंग। और हम लोग जा रहे हैं वापस। तो हम लोग वापस आ गए घर, क्योंकि दीदी लोग के आज है फ्लाइट। दीदी ऊपर देख के, दीदी की आज फ्लाइट है, दीदी जा रही है वापस। मुनमुन दीदी क्यों बोल रही हो तुम मुझे? तो इनकी फ्लाइट है, ये लोग जा रहे हैं बस पैकिंग करेंगे। इनकी फ्लाइट है गुवाहाटी से, दोनों यहाँ से 3 घंटे के लिए जाना पड़ेगा, बहुत दूर, बस 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से। पहुंच गए हम लोग मुग्धा हिमांशु। चलो, तो दीदी भैया लोग सब लोग चले गए हैं, जीजू लोग भी, इन लोग की फ्लाइट थी गुवाहाटी से, ये लोग निकल गए हैं और हम लोग आ गए घूमने। ऐसी वॉक पैथ, तो हमने सोचा यहाँ पे छोटा पानी है वहीं पर चलते हैं, घर के बगल में ही है। यहाँ पे लेक है और कैफेज़ हैं, तो हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर देखते थोड़ा सा। तो ये इनकी फ़ोटो क्लिक करने वाली जगह है, आई लव उमरोई लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जिस जगह में हम हैं उस जगह का नाम उमरोई है। और बाकी यहाँ पे गोलगप्पे डोसे वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। और ये इनका कैफ़े है, यहाँ पे बाहर भी सिटिंग है। और यहाँ पे इनकी छोटा पानी लेक, ये मैन मेड लेक है। और लेक के उस तरफ दीदी का घर है और इस तरफ कैफ़े है। तो हम पास में होके यहीं नहीं आ पा रहे थे। बाकी ये जगह बॉनफायर के लिए बना रखी है, यहाँ पे लकड़ियाँ रखी रहती है और सारा जलाने का सामान भी। तो किसी को आना है आके अपना लकड़ी वकड़ी जला के बैठ जाओ, लेकिन इस टाइम पे गर्मी इतनी हो रही है कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो अभी चलते हैं, हम लोग को एक जगह और जाना है, वहाँ पे चलते हैं। देखो यहाँ से लेक का कितना सुंदर व्यू आ रहा है। चलो चलते हैं अब।
The next day. तो जहाँ के लिए हम इतने दिन से लगे हुए थे कि हम जा रहे हैं, जो बड़ा पानी लेक थी, मतलब उमियम लेक जो है, हम लोग फाइनली आज वहाँ पे जा रहे हैं. तो आज भी हम वहाँ पे नहीं जा रहे जहाँ पे वाटर एक्टिविटी होती है, बट जीजू ने एक और जगह है जो वो देखी है मैप में, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं मैप के सहारे. बट ये देखो, ये भी मैन मेड लेक है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी लेक है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, मतलब लेक के पास एकदम जा रहे हैं रोड से ही. अब हम पास पास आते जा रहे हैं, लेकिन मतलब उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे. मतलब ज़्यादा देर का रास्ता नहीं था, आधे घंटे का रास्ता ही था घर से, बट अब हम पहुंचने वाले हैं. तो हम लोग लेक के एकदम पास पहुंच गए हैं, यहीं पे गाड़ी लगा ली. और आज संडे है तो सब ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगा रखी हैं, मतलब पूरा दूर तक लेक के किनारे किनारे, और सब लोग फिशिंग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं. देखो वहाँ पे भी बोटिंग कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे थोड़ा सा दूर फिशिंग भी कर रहे थे. वापस जाते हुए मैं दिखाऊंगी, लोग आए हुए हैं अपनी गाड़ी वाड़ी धो रहे, क्योंकि संडे को यहाँ पूरा बंद रहता है. तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और हम लोग चटाई वगैरह नहीं लाए हैं. ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं फिशिंग, और ये जो सामने बंदा है ना, ये हमारे सामने से मतलब नीचे से पैदल पैदल आ रहा है, वीडियोज़ बनाते बनाते अपनी वीडियोज़ बना रहा है, या कहीं पर लाइव गया है, आई डोंट नो व्हाट. देखो यहाँ पे भी गाड़ी लगा रही है लोगों ने, यहीं पे खाना बना रहे, एकदम पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर. तो मज़ा आया, फाइनली आज हम लेक के पास आ ही गए. वरना हर व्लॉग में सुबह सुबह यही होता था कि हम बड़ा पानी लेक जा रहे हैं, पर हम वहाँ जा ही नहीं पाते थे. तो आज आ गए, अब हम जा रहे हैं वापस. बस अब घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के अब से मिलते हैं फिर सीधा. यहाँ पे इन्होंने ऐसी लकड़ियाँ काट के रखी हुई है, एज इन पूरे पूरे पेड़ के स्टेम जो होते हैं बड़े बड़े, वो देन से यहाँ पे वो बनते हैं. सारे रेस्टोरेंट्स में क्या बना रखे थे उन्होंने, बेंचेस वगैरह ना, बेंच टेबल वगैरह सब कुछ इसी से ही बना रखा है. यहाँ पे मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स में वही था. जब हम वहाँ गए थे पिज्ज़ा बार्न, वहाँ पे भी वही सेम था. उससे पहले जब हम चेरापूंजी से आए थे, क्या नाम था उसका, कंट्री कुछ था ना उसका, कंट्री यार्ड, कंट्री कॉटेज, उसमें भी पेड़ों से ही बना रखा था. तो वही पता करने गए कि क्या सीन है यहाँ पे लकड़ी का. तो अब हम आ गए घर. घर पे दीदी ने बनाया हुआ था चैसा और चावल, तो चैसा और चावल खाते और बस कल और फिर उसके बाद मेरी भी, मतलब आज और कल मेरी भी उसके बाद फ्लाइट है. तो अब हम लोग जा रहे थे मूवी देखने के लिए शाम में, मैदान मूवी देखने जा रहे थे हम, तो अजय देवगन की जो मूवी है, और ज़रूरी था जाना, मतलब मैंडेटरी है, वो जाना ही पड़ता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं. तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे ऑडिटोरियम में, और मूवी अभी स्टार्ट नहीं हुई और यहाँ पे कोई आया भी नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं. मैं अकेली आके बैठ गई. बाकी अब आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल का वापसी का व्लॉग होगा. अगर आपने इतनी वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.